व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के साथ में, जो कि हैं भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि आज की डेट में महुआ मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आज ही के दिन ये महान हस्ती हमारी कंट्री में आए थे, और इन्हीं की वजह से आज की डेट में जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनकी ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप की गई थी, उसके हेड थे ये। तो इन्हीं की वजह से आप लोग बोल सकते हैं काफी हद तक, मतलब लार्ज स्केल पर इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था हमारे सामने जो संविधान है उस संविधान को ड्राफ्ट करने में। हालांकि बहुत सारे इंसानों के द्वारा उसको ड्राफ्ट किया गया था, पर लेकिन जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया गया था बीआर अंबेडकर जी के द्वारा। और ये सप्रेस्ड क्लास से आते थे, तो इसलिए इन्होंने काफी फोकस दिया कि जो हमारी कंट्री ने कई हजार सालों से अपनी सोसाइटी के एक तबके को दबा के रखा है, उसको आगे आने वाली जनरेशन न दबा सके। इसीलिए इन्होंने बोला है कि मैं उस ऐसे रिलीजन, ऐसे धर्म को मैं पसंद करता हूं और उसी को मैं फॉलो करना पसंद करूंगा जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी के बेस पर आगे बढ़ता चले, काम करता चले। इसीलिए आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, और बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म माना जाता है जो कि मिड पाथ को फॉलो करके चलता है। वहां पर आप लोगों को हर एक कास्ट का, हर एक क्रेड का आप लोगों को पर्सन वहां पर दिखाई देगा, इसीलिए आगे चल के बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और जो इन्होंने धरती से अलविदा कहा था, ये था 6 दिसंबर 1956 से। ओके, एजुकेशन इन्होंने ली थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल साइंस 1916 से लेकर 1922 तक, तो लंदन से इन्होंने एजुकेशन ली थी। और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकते हैं अगर आप लोग प्रॉपर वे में इनके बारे में जानेंगे तो। इसके अलावा इनसे रिलेटेड आप लोग मूवी भी देख सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आप लोगों को चाहिए तो ये है जर्नी ऑफ समायक बुद्धा। भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है, तो भारत रत्न तो देना बनता भी है, इनसे बड़ा रत्न और कौन होगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इनकी जो जयंती है ये भीमराव अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से पुकारी जाती है, और ये हमारे ही कंट्री में नहीं, ये कई सारी कंट्री में और भी एरिया में, कई सारे मतलब वर्ल्ड की कई सारी कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ये इंडियन सिटीजन नहीं थे ओनली, ये एक ग्लोबल सिटीजन थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक और पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, कदम्बी श्रीकांत जी आप लोगों के सामने है, वर्ल्ड नंबर वन की रैंकिंग इनको मिल गई है, और खासकर अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी शानदार है। अगर हमारी कंट्री का कोई पर्सन वर्ल्ड में नंबर वन की रैंकिंग पर पहुंचता है तो ये काफी बड़ी बात है, और ये दी जाती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, और यहां पर इनको दी गई है मैन की कैटेगरी में, सिंगल की कैटेगरी में जो है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड नंबर वन मैन सिंगल कैटेगरी में ये है आप लोगों के सामने। और एक और इंपॉर्टेंट इंसिलेटिव जो 2018 में आप लोगों को देखने को मिलेगी, पद्म श्री भी इनको दिया गया 2018 में, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। ओके, तो फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड का मतलब, इसका मतलब तीन ऊपर है, तो तीन ऊपर कौन कौन से है, भारत रत्न देखने को मिलेगा, पद्म विभूषण, और इसके मतलब पद्म भीषण, और यहां पर मिलेगा पद्म श्री। तो चारों याद रख सकते हैं आप लोग, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और ये है पद्म श्री, ठीक है ना। तो चार हाईएस्ट अवार्ड हैं जो कि इंडिया में आप लोग देख सकते हैं, अगर रैंकिंग भी लगाने को आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल काफी शानदार है, कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह कंपेन चला गया है, तो किस उपलक्ष में चलाया गया है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर से कनेक्ट होकर बनता है यहां पर। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता होगा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये 10 अप्रैल 1917 में स्टार्ट किया गया था, तो अभी देखने को मिलेगा आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं इसके यहां पर चंपारण सत्याग्रह के उपलक्ष में ही अभी 10 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने कोऑर्डिनेट किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ में, और ये नया कैंपेन चलाया गया है यहां पर, ये यहां पर है सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह, ठीक है ना। तो उस टाइम पर सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, अब यहां पर स्वच्छ ग्रह चलाने की बात की जा रही है। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो ये 10 अप्रैल है आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि 10 अप्रैल 2 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 अप्रैल 2017 से लेके 10 अप्रैल 2018 तक ये पूरा सेलिब्रेशन यहां पर चल रहा था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन चल रहा था यहां पर, तो यहां पर एंड हो गया है अब 100 साल का सेलिब्रेशन का 10 अप्रैल को, तो उसी के उपलक्ष में यहां पर आप लोगों के सामने कैंपेन है जो कि चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहां पर, एक तो सत्याग्रह वाला हो गया, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों ने कब स्टार्ट किया था, ये गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था, और टारगेट क्या है यहां पर, टारगेट ये है
कि 2 अक्टूबर 2019 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक हम लोगों को अपनी कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। मतलब क्या है? मतलब है ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, खुले में शौच से मुक्त अपनी कंट्री को हम लोगों को बनाना है, ठीक है, जिससे कि सब शौचालय यूज करें और बीमारी इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में आज के दिन में फैलती है उससे हम लोग बच सकें। तो इसीलिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकते हैं यहाँ पर। तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है 2 अक्टूबर 2019 को, और ये 2 अक्टूबर 2019 को क्या है ऐसा, ये है 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की। तो इसलिए कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आ सकते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा थोड़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर UIDAI, जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही वो एजेंसी है जिसके हिसाब से यहां पर हमारे हाथ में सबके आधार कार्ड है आज की डेट में, ये इसी के हिसाब से यहां पर वर्क करता है, नजर आता है आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी 2009 में। अब इसको पता है स्टैट्यूटरी क्यों बोला है, क्योंकि आधार एक्ट बना दिया गया है 2016 में, आप लोगों के सामने है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा टैकल किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिस तरीके से आधार कार्ड हमेशा न्यूज में रहता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है जो फिर से ये न्यूज में है यहां पर आप लोगों के सामने, UIDAI ने लॉन्च कर दिया डिजिटली साइंड QR कोड, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो QR कोड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने निकल कर आता है। आज के डेट में आप लोग फेसबुक चलाते हैं, वहां पर भी आप लोगों के सामने QR कोड का ऑप्शन आता है। पेटीएम चलाते हैं, वहां में आप लोग QR कोड देखते हैं। आधार कार्ड उसके अलावा आप लोग भीम ऐप यूज करते हैं, वहां पर आप लोग QR कोड देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी को ज्यादा चौकन्ना बना देता है, ठीक है, ताकि आपको कोई डेटा यूज ना कर सके, उस डेटा का मिसयूज ना कर सके, डेटा को और ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए यहां पर QR कोड का ये बार लेबल लगाने की बात की जा रही है, ताकि आसानी से यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके और आपकी इंफॉर्मेशन भी रिवील न हो, आपका जो डेटा है उसका पता ना चले किसी को, ओनली QR कोड से आपका काम हो जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको इनिशिएटिव मान सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया इसके बारे में होना ही चाहिए, ओके। इसके अलावा आप लोगों को हल्का सा जो आइडिया होना चाहिए वो होना चाहिए यहां पर UIDAI अथॉरिटी के बारे में। 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आज की डेट में जो UIDAI की जो यहां पर अथॉरिटी है उसके आज की डेट में जो चेयरमैन है ये है सत्यनारायण जी, ओके। तो कुछ ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान के पास में कई कई मोबाइल होते हैं, कई कई लैपटॉप होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है, नया लैपटॉप आता है, तो जिनके पास में ठीक ठाक पैसा होता है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट होता है आज की डेट में, तो किस तरीके से उसको रीयूज करना है और किस तरीके से आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी इसकी वजह से होता है, तो किस तरीके से उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है। प्लास्टिक वगैरह जो यहाँ पर होती है, बहुत सारी चीजें इसमें मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक IITian है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, हमारी इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट है वीना सहजवाल जी, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री यहाँ पर लॉन्च की है जो कि यहाँ पर ई वेस्ट जनरेट होता है उसको रीयूज करने का काम करेगी। तो देखिए इंडियन कितना कमाल कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। और कहाँ पर है ये? ये है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कोस्ट में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई भी ग्लास प्लास्टिक या कोई भी किसी तरीके का मटेरियल है उसको फिर से रीयूज करने के लिए यहां पर तैयार किया जाएगा, ताकि जो है ई वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कम से कम किया जा सके। और जितना ज्यादा ई वेस्ट को हम लोग रीयूज कर पाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा नया प्रोडक्ट हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पुराने को ही यूज करके हम लोग अपना नया काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा, यहां पर है वीना साजवाल और सिडनी में ये स्टार्ट किया गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और खासकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग हर टाइम किसी न किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी न किसी ऑफिस के अंदर या फिर अपने घर के अंदर रहते हैं। हम आज की डेट में जो धूप है, जो सन की रोशनी है जिससे हमको विटामिन डी मिलता है, उसे काफी दूर होते हुए जा रहे हैं। इसी को यहां पर ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके सामने मैंने डिटेल भी डाली है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये जो सिचुएशन ये बनाई गई थी ये अगस्त 2011 में बनाई गई थी ताकि आज की डेट में जो भी हम उल्टा सीधा खा रहे हैं उससे बचा जा सके। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर चेयरमैन है ये आशीष बहुगुणा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है प्रोजेक्ट धूप लॉन्च किया गया है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट धूप? प्रोजेक्ट धूप है कि विटामिन डी हमारी बॉडी को पर्टिकुलर लेवल पर मिल सके, इसीलिए खासकर फोकस दिया जा रहा है बच्चों पर। देखिए आप लोगों को पता है डेली आप लोग स्कूल में जाते हैं, जैसे बच्चे लोग हम भी जाया करते थे एक टाइम पर, तो डेली स्कूल में आप लोगों को मॉर्निंग में एक असेंबली देखने को मिलती है जहां पर एक प्रेयर हुआ करती है। तो उस प्रेयर का टाइम चेंज करने की बात की जा रही है, 11 से 1 के बीच में उसका टाइम चेंज करने की बात की जा रही है ताकि बच्चों को धूप में खड़ा रखा जा सके थोड़ी देर और उनकी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है आज के डेट में बच्चों को भी, क्योंकि विटामिन डी नहीं मिल पाता है और पेरेंट्स प्रोटेक्शन के चक्कर में बच्चों को धूप ना लग जाए, बीमार पड़ जाए, जरा जरा सी बातों में मतलब देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा हम लोग प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं उतने ज्यादा हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, मजे में खेल रहे हैं कहीं धूल मिट्टी में अपना आराम से खेल रहे हैं और अपना मतलब इस तरीके से जिंदगी चला करती थी। आज की डेट में इतना प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बच्चों को भी, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है FSSAI, जिसको बोला जा रहा है फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग NCERT, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC और इसके अलावा नॉर्थ MCD जो स्कूल है, इन सबको मिलाकर यहाँ पर यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, काफी शानदार यहाँ पर आप लोग मुहिम इसको बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट धूप के नाम पर जो स्टार्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं, केरला हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है SOP, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये, अगर कोई भी आप लोग प्रोग्राम फॉलो करके चल रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को फॉलो करके चलना है अगर उसका एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो केरला बन गया फर्स्ट स्टेट जिसने SOP, जिसको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बर्थ अगर ब्रेन डेथ किसी की होती है तो देखिए कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है इंसान कोमा में चला जाता है, ठीक है। कोमा में जाने के बाद में ये पता नहीं चल पाता है वापसी रिकवर कर पाएगा या नहीं रिकवर कर पाएगा। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केरला गवर्नमेंट ने यहां पर स्टार्ट किया है SOP, और जिसके बेस पर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर कोई पर्सन ब्रेन डेड हो रहा है तो उसको प्रॉपर वे में फॉलो करके चला जाएगा, मेडिकल उसका देखा जाएगा, कई मेडिकल यहाँ 4 मेडिकल डॉक्टर रहेंगे और चेकअप किया जाएगा प्रॉपर वे में। आखिर ये ऐसा प्रोसीजर क्यों इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है? यूथेनीजिया के बारे में आप लोगों ने सुना, मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी यूथेनीजिया में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैसिव यूथेनीजिया को हमारी कंट्री में अलाउ करने की बात की जा रही है और उसके साथ में लिविंग विल का भी बात की जा रही है। मतलब अगर आज की डेट में मैं ये डिसाइड करके एक कागज पर लिखकर चला जाऊं कि अगर फ्यूचर में मेरा ब्रेन डेड हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मुझे इस तरीके से डेथ दे दी जाए, तो वो बोलते हैं लिविंग विल। तो लिविंग विल के स्टैंडर्ड प्रोसीजर को भी प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके, इसीलिए यहां पर फर्स्ट जो गवर्नमेंट बन गई है वो केरला बन गई है जिसने SOP स्टैंडर्ड को यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की और अडेप्ट कर लिया गया है। तो काफी शानदार तरीके से अगर कोई भी पर्सन यहां पर कोमा में है तो पता लगा जा सकता है कि कोमा से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, कितना 100% कोमा में है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ब्रेन डेड है या फिर किस तरीके से, सारी डिटेल यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो केरला है फर्स्ट स्टेट, ओके, पता होना चाहिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है यूथनीजिया वाली, तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आएगा जो अभी यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, ये आप लोगों के सामने है पूरा कंप्लीट, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा, एशिया को कनेक्ट कर रहा है, अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन तक पहुंच रहा है पूरा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छे शानदार तरीके से चाइना इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे आगे बढ़ रहा है, एशिया तो पूरा ही कवर कर लिया है, चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे वेस्ट की, चाहे नॉर्थ की, चाहे साउथ की, पूरे एशिया को कंप्लीटली कवर यहाँ पर किया जा चुका है सिल्क यहाँ पर रोड और ये बेल्ट वाला जो इनिशिएटिव है। तो इसमें अभी क्यों न्यूज में है, ये अभी इसलिए न्यूज में, सिंगापुर और चाइना ने MOU साइन किए जिसके बेस पर आसपास वाले जितने भी यहाँ पर एरिया हैं उनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करके उनको डेवलप किया जाएगा। खासकर बात की जाए ये सिंगापुर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर मलेशिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या की जाती है, अगर सिंगापुर में प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मलक्का स्टेट यहाँ पर पड़ता है, कोलालमपुर ये वाला एरिया हो गया मलेशिया, जिससे चाइना का मैक्सिमम ट्रेड होता हुआ जाता है, ठीक है ना। आप लोग अगर दूसरे मैप में दिखाना चाहूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे जैसे ये वाला एरिया यहाँ से होता हुआ जाता है ना, ये वाले एरिया की जो बात की जाती है,
इसी की बात यहां पर की जा रही है। तो चाइना का मैक्सिमम ट्रेड इसी एरिया से हो रहा है। चाइना क्या कोशिश कर रहा है, एक तो अपना ट्रेड यहां से लाने की कोशिश कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑल्टरनेटिव रूट चाइना के द्वारा तैयार किया गया। कल को अगर इस वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो चाइना के लिए ऑल्टरनेटिव रूट हो गया। इसीलिए चाइना पर, इसीलिए पाकिस्तान पर इतना मेहरबान या इतना फिदा आप लोग बोल सकते हैं चाइना, वरना चाइना अपने बाप को भी कुछ नहीं देता है फ्री में, तो पाकिस्तान तो चीज क्या है। तो इसीलिए आप लोगों के सामने यहां पर कि पाकिस्तान पर इतना फिदा क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट तैयार कर लिया अपने लिए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े चाइना को। ओके, तो इसीलिए यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ह्यूज लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। सिंगापुर के साथ में भी यहां पर साइन किया गया, जिसके बेस पर आगे आने वाले टाइम में एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन को, यूरोपियन यूनियन तक यहां पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सिंगापुर की यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड द इंडस्ट्री और चाइना की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन एंड द एंटरप्राइज मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, जिसके बेस पर यहां पर चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों को अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाए इस तरीके का स्टेट तो आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, थोड़ा मैप में निहार लेते हैं छत्तीसगढ़ कहां पर पड़ता है। ये हो गया आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़, ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना यहां आप लोगों के सामने, उड़ीसा, ये है झारखंड, तो यहां पर छत्तीसगढ़ है आप लोगों के सामने। तो छत्तीसगढ़ को आखिर न्यूज में क्यों है, तो इस तरीके का स्टेट अगर आप लोगों को कोई बोले कि छत्तीसगढ़ ने कुछ ऐसा कर दिया है तो आप नॉर्मली यकीन नहीं मानेंगे, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये भी बिजनेस लीडर की कैटेगरी में, ठीक है ना। एक बार को गुजरात का नाम आता, महाराष्ट्र का नाम आता, केरला, तमिलनाडु का नाम आता, समझ में आता है, छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है यहां पर। तो इस कैटेगरी में, यहां पर बिजनेस की कैटेगरी में रिमार्केबल इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है और ये दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है ना, अवार्ड देखने को मिलेगा आप लोगों को ये। तो इसके बारे में हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है रायपुर, और यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है। फॉर्मेशन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 1 नवंबर 2000 में यहां पर फॉर्मेशन किया गया था। उत्तराखंड भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के काट के बनाकर स्टेट बनाया गया था, और यहां पर आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ है जो कि बिहार में से निकाला गया था, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, ठीक है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दो स्टेट है, देखिए इसमें आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों के सामने एक बार बता दो फिर से, ये देखिए यहां पर मैप, बिहार में से निकाला गया था झारखंड, और मध्य प्रदेश में से निकाला गया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में से निकाला गया था उत्तराखंड, ठीक है। तो कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है, तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। और 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाला गया था तेलंगाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आप लोगों को, आ जाइए। थोड़ी सी बात की जा रही है फास्फोरस पेंटोक्साइड के बारे में, P4O10 यहां पर फॉर्मूला है, न्यूज में है, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आखिर न्यूज में क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी गई है। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है, एंटी डंपिंग का मतलब यह होता है कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट चाइना में बेचा जा रहा है, मान लीजिए 10 रुपए की जो, ठीक है, ओनली उदाहरण है यहाँ पर, 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है चाइना में, और हमारी कंट्री में इसको लाकर बेचा जा रहा है 8 रुपए या फिर 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। मतलब जितने का इसका प्रोडक्ट का दाम अपनी कंट्री में भी नहीं है, उससे कम हमारी कंट्री में इसको बेचा जा रहा है। और इसके अलावा यह भी हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इतनी कॉस्ट नहीं आ रही है इसकी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर मान लीजिए 12 रुपए की और बेचा जा रहा है यहाँ पर 5 रुपए का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि डंप कर दिया गया है दूसरी कंट्री में जाकर, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो यहां पर अपनी खुद की मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी खुद की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर इसका, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये काफी रिएक्टिव रहता है अगर बात की जाए, जिसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है खासकर, जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गया, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, और कोरेसिव टू द मेटल भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नॉन फेलेमेबल है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का सा इसके बारे में। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि आग जल्दी नहीं पकड़ेगा, फ्लेमेबल, ठीक है ना। तो हल्का सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम है आप लोगों के सामने, खासकर जो जिनकी अभी डेथ हुई है, जो अभी पासिस अवे हुए हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पर निरंजन थॉमस अलवा, ठीक है, सेकंड है यहाँ पर मुनीन बरुआ, और थर्ड है यहाँ पर राज किशोर। तीनों की पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, तीनों की पिक्चर यहाँ पर ये एक साइड से आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये शोले मूवी में आप लोगों को ये जेल वाला सीन याद होगा, जब यहाँ पर बेवकूफ बनाकर भागते हैं जेल को तोड़कर ये दोनों, ठीक है। तो हल्का सा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इस वाले एक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर, ये दोनों तो अभी जिंदा है, इनके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये अभी हस्तपुष्ट है दोनों।
तो यहां पर इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो ये आप लोगों के सामने है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जो फर्स्ट की बात की जा रही है, और हस्बैंड है कांग्रेस लीडर जो मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का सा। सेकंड बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, नेशनल अवार्ड विनिंग आसामी फिल्म मेकर थे ये, जिनका अभी डेथ हुई है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनको यहां पर इनका दूसरा नाम भी पुकारा जाता है आसाम वाले एरिया में, ये है भाई मुंदा। ओके, तीसरा आप लोगों के सामने है राजकिशोर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये भी आप लोग इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है एक्टर, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गए यहाँ पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ये आप लोगों को वकील देखने को मिलेंगे, ये यहाँ भी ये फिल्म मेकर देखने को मिलेंगे, और ये एक्टर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैच के लिए भी आ जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी न्यूज में है, दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अनुष्का शर्मा को मिला है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा तमन्ना भाटिया, जो कि आप लोगों को बाहुबली जो फर्स्ट मूवी थी उसमें देखने को मिलेगा, और रणवीर सिंह, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी खलबली, ठीक है ना, आप लोगों के सामने याद भी आ रहेगा, पद्मावत मूवी की बात कर रहा हूं। और ये वाली हो गई तमन्ना, तो इनको यहां पर एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए हैं दादा साहब फाल्के, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी परी मूवी आ रही है, ये भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसमें जो अनुष्का शर्मा का रोल है, ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को जाकर रिवीजन करना है पॉलिटिकल लेक्चर का, ये है लेक्चर नंबर 111111, काफी शानदार लेक्चर है। क्या होता है एनजीसी और क्या होता है कोलिजियम सिस्टम, डिटेल में डिस्कस किया गया है, क्यों हटा दिया गया था यहाँ पर एनजीसी था, जिसको बोला था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आखिर यहाँ पर कोर्ट ने क्यों इसको रद्द कर दिया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, काफी क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, खासकर जितना सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में न्यूज में है। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगी, ये फेसबुक पर है और यह है टेलीग्राम, तो यहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये आप लोगों को पता है कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में, जो कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम है, नंबर याद होना चाहिए, क्वीनलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जोन सा एरिया जिसमें कोस्ट ये यहाँ पर गोल्ड कोस्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों के सामने मेडल टैली है, ऑस्ट्रेलिया है टॉप पर, दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा इंडिया, तो 17 गोल्ड लेकर हम लोग तीसरे नंबर पर है, टोटल 42 मेडल हमारे हो चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। टॉप 5 के मैंने यहाँ पर नाम दिए, 4th नंबर पर कनाडा और 5th नंबर पर है साउथ अफ्रीका। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, एक यहाँ पर जैसे आप लोग स्टडी लवर सर्च करेंगे चैनल यूट्यूब कर जाकर, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये होम है, यहाँ पर ये वीडियो है, यहाँ पर जाकर आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आप लोगों को सेक्शन वाइज वीडियो मिल जाएगी, ये नैनो मैगजीन हो गया यहाँ पर, या फिर ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस वाली वीडियो हो गई, पॉलिटी की वीडियो हो गई, इसके अलावा ये कम्युनिटी सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, कम्युनिटी सेक्शन को आप लोग सर्च करते रहा कीजिए थोड़ा, यहाँ पर जब भी आप लोगों को टाइम मिले यूट्यूब पर आप लोग जाया करें तो कम्युनिटी सेक्शन में एक बार जाकर आप लोग देख लिया कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को आज से मैं क्वेश्चन पोस्ट किया करूंगा और कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर मिला करेगी। और कम्युनिटी सेक्शन में भी कई तरह के सर्वे टाइप भी कराते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम दूंगा, 3-4 स्लॉट दूंगा, आप लोग ये बताइएगा इन 3-4 स्लॉट में से जो करंट अफेयर के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट स्लॉट कौन सा है, आप लोगों को जिसकी सबसे ज्यादा वोटिंग होगी मैं उसी टाइम पर वीडियो को लाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। 4 टाइम आप लोगों को दूंगा, उन 4 टाइम में से आप लोगों को डिसाइड करना है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, वोटिंग करनी है आप लोगों को, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेटिकली जोन सा सबसे बड़ा, आप लोग जोन सा सबसे ज्यादा यहां पर इसको सपोर्ट करेंगे, मंडे से जो आप लोगों को वीडियो मिलनी स्टार्ट होगी वो फिर आप लोगों को उसी टाइम से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सैटरडे को तो हम लोग उसी टाइम पर करेंगे, पर मंडे से आप लोगों का टाइम चेंज हो सकता है इस सर्वे के हिसाब से। तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप लोग सर्वे को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, जोन सा भी आप लोगों को अपने हिसाब से कंफर्टेबल टाइम लगता है उस पर जाकर क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बोलता हूँ ना, रिविजन की जो वीडियो डालते हैं हम लोग पॉलिटी की, वो भी आप लोगों को डेली यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, अगर कहीं और नहीं ढूंढनी है तो डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पर आप लोग उसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको डेली पब्लिश करता हूँ जो वाली वीडियो होती है जो आप लोग को रिविजन करना होता है। ओके, तो करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, इस कैटेगरी में से इसमें और इस कैटेगरी में से इसमें, और इसमें पहुंचते ही आप लोगों के हाथ में होगी ट्रॉफी। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, और जितना ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा शानदार तरीके से आप लोग अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो शाम को मिलूंगा फिर आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन की वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग इसको एंजॉय करने के बाद में उसको एंजॉय कीजिएगा। फिर आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोगों ने देखा आज है 14 अप्रैल, बीआर अंबेडकर जी के बारे में जाना। सेकंड हम लोगों ने जाना यहां पर कदम्बी श्रीकांत के बारे में, जो कि कनेक्टेड है किससे पता होना चाहिए, बैडमिंटन से, ठीक है ना, कई बार टेनिस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह कैंपेन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है यहां पर UIDAI के बारे में जाना, जिन्होंने QR कोड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने देखा वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री
फैक्ट्री फॉर ई वेस्ट लॉन्च, जो कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओरिजिन के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट धूप के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि एसओपी को फॉलो करने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना वन रोड वन बेल्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ द ईयर बिजनेस कैटेगरी में मिल गया अवार्ड। इसके अलावा आप लोगों के सामने यहां पर फॉस्फोरस के बारे में जाना हम लोगों ने, जो कि है ये आप लोग बोलते हैं P4O10, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं। ये हम लोगों ने देखा कौन कौन पर्सन अभी जिनकी डेथ हुई है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड किस किस को दिया गया है, तो क्वेश्चन बने तो आइडिया होना चाहिए। जाकर रिविजन करना है पॉलिटिकल लेक्चर का, कम्युनिटी सेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, उसमें हमारी क्या पोजीशन है। तो ये था आज का लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पाया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए जितना भी हो सके, और टाइम मिले तो लोगों को पढ़ा दिए जिसको भी आप लोगों को टाइम मिलता है जब भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूँ सेकंड लेक्चर में, जब तक के लिए इंजॉय कीजिए, खुश रहिए और इंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।